अब सुबह दिखेगा ढंग से। ये देख रहे हो अंदर द व्यू, यही है दिखाओ तुम्हें, ये देखो। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट दे दी है तुम्हें रैप के बारे में। और पहले में देख लो कितना ज़्यादा निकल गया भाई गाड़ी में, थोड़ी सी साइड में पता नहीं क्या अंदर से दबा हुआ, पता नहीं किसी ने मारी है, किसी ने ठोका, पता नहीं क्या था। ये अगर तुम्हें दिख रहे हैं ये वाले निशान तो हाँ तुम दिख तो रहे हैं, अब दिख रहे होंगे तुम्हें ये मार्क्स कितने ज़्यादा ग्लू लग रही है, देख रहे हो ये री। और यहाँ पर बोनट पे से रैप हटाएंगे तो तुम्हें पता ही है क्या क्या होगा, इस पे नया रैप चढ़ेगा। हाँ जी, तो क्या हाल है सब भाइयों के, होप सारे बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। ये देख लो गाइस अपना टाइम हो रहा 5 बज रहे हैं दोपहर में। मैंने ब्लॉग इसलिए चालू नहीं किया क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हो मौसम तो चलो अभी धूप आ नहीं रही लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसा गर्म गर्म लग रहा है ना, पसीने टपक रहे जैसे बाहर निकल रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, शाम हो चुकी है और अपनी रानी यहाँ पर खड़ी है, ये देख लो। तो भाई जब हम मसूरी में थे या फिर मसूरी से निकल गए थे पता नहीं, तब भाई तब की शायद बात होगी क्योंकि उससे पहले तो हो नहीं रखा था। पता है क्या भाई, गाड़ी में ना थोड़े से साइड में पता नहीं क्या अंदर से दबा हुआ, पता नहीं किसी ने मारी है, किसी ने ठोका, पता नहीं क्या करी है मसूरी पहले, क्योंकि पहले तो था नहीं। यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, ये देख रहे हो पेट्रोल जहाँ से भरा जाता है, ये दिखाता हूँ, ये देख रहे हो पेट्रोल जहाँ से भरा उस साइड है, इस तरफ ही अंदर को दब गया है, अंदर को दब गया है। और पता नहीं किसने मारी, समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें जाके दिखाता हूँ, पता नहीं इसे एक्सीडेंट करेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। तो मैं नीचे चलता हूँ, ठीक है, दिखाओ तो मैं क्या होती तो उस नीचे आ गए फाइनली। और ये अपनी गाड़ी ये खड़ी रानी, और भाई यार ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये देख रहा हूँ निशान वगैरह दिख रहे हैं तुम्हें शायद से नहीं, ये पता है मैंने फिल्म चढ़वाई थी और ये छुटा देते हैं ना तो एकदम से तो इससे बन जाते हैं। अबे यार ये तो बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हैं, यहाँ पर तो नहीं है भाई, यहाँ पर ओ भाई ये रे भाई, ये अगर तुम्हें दिख रहे हैं ये वाले निशान तो हाँ तुम दिख तो रहे हैं, कैमरा भी दिख रहे हैं बाहर से। मैं गाड़ी खोलता हूँ, चाबी से मैंने खोल दी भाई, अंदर से तो बहुत ही बुरे लग रहे हैं। एक मिनट, ये अब हाँ ये देख रहे हो भाई बहुत ही गंदे लग रहे हैं, पता है ये चिपका नहीं, फिल्म चढ़वाई थी मैंने पूरे गाड़ी पे, ये आग वाले पे चढ़वाई थी लेकिन ये शीशा तो चेंज हो गया है ना, साइड पे इधर है या नहीं ये चेक, पता है ये एक चीज़ से हटेगा। मैं मिनिस्टर से फ़ोन करके पूछता हूँ कि ये ब्लेड होता है ना, ब्लेड के साथ शायद पानी लगाते पता नहीं क्या ऐसे ऐसे करते हैं तो छूट जाता है ये। और पीछे वाले चीज पे तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। जूम करूँ मैं, ये शायद तुम्हें ढंग से ना दिखे। और भाई एक और चीज़ जो मैं बता रहा था तुम्हें कि गाड़ी जहाँ से ठुक गई है दिखाऊँ, ये अगर तुम्हें दिखाई दे या ना दे, ये स्क्रैचेस तो पहले से थे, ठीक है, ये चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ ये पता है अंदर दबी हुई है, और ये मतलब पहले ठीक थी भाई, अब तुम्हें दिखेगा ढंग से, ये देख रहे हो अंदर दबी हुई है ये। तो भाई इसे ठीक करवाना है मुझे, पता नहीं कि यार कैसे हो गया, पता नहीं कौन मार के चला गया, समझ नहीं आ रहा, और अजीब सी लग रही है, और उससे ज़्यादा अजीब तो ये लग रही है सही बता, इससे है ना, इसे भी ठीक करवाना था तो इसे ठीक करवाएंगे सबसे पहले। और अभी मैं सोच रहा हूँ इसे साफ़ कर दूँ भाई, ये बहुत गंदे निशान लग रहे हैं, ये देख रहे हो चिपक चिपका नहीं, बहुत ज़्यादा चिपका नहीं इसमें, तो इसे साफ़ करना पड़ेगा, अभी तो बहुत ज़्यादा चिपक रही है भाई, तो इसे साफ़ करना पड़ेगा, पता नहीं शायद फ़ोन में पूछता हूँ, ठीक है। और चलो मैं रैप के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई रैप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ बताना है तुम्हें, ये देख लो रैप अपना, ठीक है, तो मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं निश्चल को फ़ोन कर दूँ, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है तुम्हें रैप के बारे में, ठीक है, तो बने रहो व्लॉग में। लो जी, तो गाइस भाई मैं अभी लाया हूँ एक कॉलिन, ये देख लो इससे छुट जाएगा तो छुट जाएगा, यहाँ ये देख रहे हो, और दो कटर है, एक तो चाकू है और एक कटर है, कटर लिया है मैं क्योंकि मेनली कटर से ही साफ होता है, ये देख रहे हो ये छोटा है लेकिन वो बहुत बड़ा होता है। अब घर पे यही था तो देखते भाई इससे साफ हो जाएगा कि नहीं, पहले कॉलिन मारता हूँ, ठीक है, देख लो कॉलिन मार दिया है मैंने, अब यहाँ से साफ करके देखते हैं कि साफ होता है कि नहीं। ये चाकू ये रहा भाई, हो जा निकल जा भाई, निकल तो रहा है, अरे हाँ यार निकल गया भाई, निकल तो रहा है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, सारे चीज़ों के लिए सही बता रहा हूँ, पीछे भी है, इसमें भी लगा पड़ा है, तो भाई हटाता हूँ इसे, ठीक है, बढ़िया करके दिखाओ तुम्हें, ये देखो देख रहे हो, पता नहीं क्या निकला, ये हो रहा है भाई साफ, हो रहा है ये चढ़वाने का वो होता है डिसएडवांटेज फिल्म का,
दोबारा मारनी पड़ेगी मुझे कल कॉलिन, दोबारा मारता हूँ। अरे भाई क्या निकल रहा है गंदा सा, ये पता ग्लू होती है चिपकन जो फिल्म में लगी रहती है ना वो होती है। तो हटाता हूँ इस शीशे को, सारे शीशे को हटानी पड़ेगी। इन पे तो है नहीं शायद, इन दोनों पे पीछे बहुत ज़्यादा है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इस पे भी है थोड़ी सी, ठीक है तो करते हैं साफ भाई। इस पे जो है यहाँ की तो साफ हो गई, देख रहे हो बिल्कुल यहाँ की सफा चट हो गई। ये थोड़ा थोड़ा सा रह रहा होगा, इधर की रह रही है बहुत ज़्यादा। ये इधर मारता हूँ, ठीक है अब करते हैं साफ। भाई क्या निकल रहा है, अजीब सा चीज है, पता नहीं क्या है। ओ जी तो चीतोस भाई ये साफ हो गया पूरा शीशा, देख रहे हो बिल्कुल चमचमाता, कुछ भी नहीं है अब इस पे, कुछ भी नहीं चिपका हुआ। अब भाई बहुत सारे रह रहे हैं, चारों पांच शीशे रहे हैं, एक दो तीन चार, चार शीशे। मुझे तो लगता है उस तरफ है, उन दोनों के शीशे में नहीं है, इन दोनों में है भाई, सबसे ज्यादा पीछे वाले में। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर दिया मैंने, बहुत मेहनत कर लगी है, तो इसको साफ कर दिया। पीछे वाले को साफ करते हैं, इस पे देखते हैं कुछ है या नहीं। इस पे भाई इस पे लग तो नहीं रहा है, एकदम खोल के देखता हूँ। इस पे भाई इस पे तो नहीं है, ये पूरी साफ है, क्योंकि इस पे ढंग से चढ़ी होगी ना फिर हम उस पे, जो कुछ ज़्यादा चिपक जाती है ना बिल्कुल ढंग से, उनकी ग्लू रह जाती है। तो भाई इस पे तो कुछ नहीं है, पीछे वाले पे बहुत है, तो पीछे वाले का शुरू करते हैं, ठीक है स्टार्ट करते हैं साफ करना। अब दिख रहे होंगे तुम्हें ये मार्क्स कितने ज्यादा ग्लू लग रही है, देख रहे हो ये री और यहाँ पर बहुत है, तो यहाँ साफ करते हैं, ठीक है बहुत ही ज्यादा वो लग रही है। इसमें हाथ लगाऊंगा मैं तो बहुत चिपक जाएगा, देखो देखो चिपक रहा है एकदम, देख रहे हो आवाज कैसी आ रही है भाई। तो इसे साफ करते हैं, ठीक है लो भाई इस पे वो लगाया, ज्यादा नहीं लगाऊंगा, ठीक है थोड़े थोड़े से साफ करते हैं। पहले यहाँ स्टार्ट करता हूँ, हो जा वे तो बहुत, मतलब पीछे वाला तो बहुत ही ज्यादा वो है, साफ नहीं हो रहा। और पहले में देख लो कितना ज्यादा निकल गया ग्लू, ये देख रहे हो कितनी ज्यादा ग्लू निकल गई। इसे साफ करता हूँ भाई, लो भाई तो चीतो फाइनली साफ हो गया भाई। ये देख रहे हो बहुत ही मशक्कत करने के बाद साफ हुआ है, बिल्कुल चमका दिया तुम्हारे भाई ने, देख रहे हो एकदम बहुत ही ज्यादा चिपक रहा था। अब हाथ लाऊंगा ना तो चिपकेगा नहीं, ये देखो बहुत आराम से स्मूथ पानी से करा मैंने, कपड़ा मिल गया था मुझे और ये रहा कॉलिन और क्या कहते हैं चाकू, ये दोनों तो मैंने बहुत ही मुश्किल से करे तो कि साफ हो गए हैं पीछे, देख रहे हो एकदम कड़ा भाई। और इसका काम जो कि मैं रैप के बारे में बता रहा था, एक तो ये हो गया भाई, नीचे से डेंट जो है, डेंट वगैंट ये सारे एक साथ होंगे, पहले बता रहा हूँ। यहाँ के एक डेंट है जो पिचका हुई है गाड़ी है ना, यहाँ से तुम यहाँ से देखो पिछी हुई है ना, देख रहे हो यहाँ से पिछली हुई है। और ये डेंट जो सही होने दो, ये पता नहीं बहुत पहले के लगे हुए हैं, पता नहीं कैसे, वो कह रहा था कि यहाँ से खोल के होंगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन करवाएंगे जरूर है ना। ये दो डेंट हो गए, दो डेंट और ये पीछे चिपका हुआ है, ठीक है दो डेंट इधर, और मैं तुम्हें दिखाऊं इधर तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पर बोनट पे एक डेंट है, देख रहे हो ये तुम्हें साफ सीधा दिख रहा होगा है ना। तो भाई इन इसको तीनों को हटाना है, और इसके लिए भाई तुम्हें पता ही है रैप हटाना पड़ेगा अपना, ठीक है रैप हटाएंगे ORVM का और बोनट का, बोनट पे से रैप हटाएंगे तो तुम्हें पता ही है क्या 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 होगा, इस पर नया रैप चढ़ेगा और वो भी तुम गैस करके बताओ कि कौन सा रैप चढ़ेगा भाई। ये तो हो गया कैमलिन भाई, बहुत लोग लगा रहे हैं, ठीक है बहुत लोग लगा रहे हैं कैमलिन, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, वो भी शायद थोड़े लोगों ने करवा रखा है, ये सारा सामान उठाता हूँ मैं, वो भी करवा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं वैगनार पे ना पहली बार होगा कि कोई करवा रहा है वो वाला रैप, तो कि मैं गैस करके बताओ तुम कि कौन से रैप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कल मैं इसे फाड़ूंगा, कल रैप को उतारेंगे, ठीक है फिर परसों चलेंगे डेंट पेंटिंग के लिए, ये सारा डेंट जो पिचका हुआ है और यहाँ पर ठीक होगा। और मैं साइड में देखूँ यहाँ तो कोई डेंट नहीं है, यहाँ नहीं है भाई, सारा साफ करवा लिया था मैंने, सारी ठीक करवा ली थी गाड़ी तुम्हारे सामने, जो कि सारे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, इधर पे भी नहीं है कोई डेंट। और हाँ ये देख रहे हो मैंने वाइजर लगवाए थे ना, तो मैंने उसे हटा दिए थे, उससे बिना अच्छा ही बढ़िया लुक आ रहा है। अब ये देख लो उसके हटाने से ना ये चीज़ हो गई है, इसकी भी ग्लू यहाँ पर चिपक गई है, देख रहे हो ये चीज़ और आगे का गेट पे बहुत ही गंदा, मैंने इसे छुटाने की कोशिश करी थी, ये देख रहे हो स्क्रैच मैं दिखाऊँ तुम्हें, दिखेंगे स्क्रैचेस ये रे थोड़े से, अगर तुम्हें दिख रहे हो यहाँ पर दिख रहे हो तो इसकी वजह से स्क्रैचेस आ गए थे हटाने के चक्कर में, तो इसे साफ करवाना है और डेंट वेंट हो गया और कल रैप उतारेंगे, ठीक है
बाकी मैं निश्चल को भी फोन कर दूंगा, अगर उतार रहा है तो भाई आ जा, दोनों साथ उतारेंगे बढ़िया करके। और 3-4 दिन तो क्या कहते हैं गाड़ी अपनी ऐसी रहेगी, सिंपल भी देखने का बहुत मन कर रहा भाई सामने से, क्योंकि सिंपल है नहीं ना, बहुत दिनों से वो लगवा रखे अपना कैमलिन रैप, तो सिंपल करवाएंगे इसे और देखते हैं तुम्हें क्या क्या कौन सा वो रैप चढ़वाऊंगा, तो बताना कौन सा रैप चढ़वाऊंगा बहुत तगड़ा, ठीक है। तो अभी लास्ट बार देख लो, लास्ट बार नहीं कल भी और देखोगे तुम, तो यहाँ सामने से देख लो गाड़ी कैसी लग रही है, कल भी देखोगे, ठीक है। उतारते हैं, कल उतारूंगा, ठीक है, कल उतारने का ब्लॉग कल आएगा, और परसों चलेंगे डेंट पेंट करवाने, और सिंपल देखना अपनी गाड़ी कैसी लगेगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं और बता दो तुम्हें ऊपर जाके और क्या क्या करना है गाड़ी में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, इस व्लॉग को, और बाकी मिलते हैं नई मॉडिफिकेशन के साथ अपनी वैगनआर की, ठीक है, चलो बाय।